हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाएंगे कोकोनट रोज बर्फी। आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है और बहुत ही ज़्यादा यम्मी भी है खाने में। और इसे हम बनाएंगे एकदम मार्केट स्टाइल में, हलवाइयों जैसा कोकोनट रोज बर्फी। तो ऐसे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी कोकोनट रोज बर्फी के लिए मैंने लिया डेसिकेटेड कोकोनट, 2 कटोरी है, 1 कटोरी शक्कर है, 1 कटोरी फ्रेश क्रीम है, 2 कटोरी दूध है, रोज वाटर है और ये है पिस्ता और रेड फूड कलर। सबसे पहले मैंने लिया है पैन, इसमें मैं फ्रेश क्रीम डाल रही हूँ, जो घर में मलाई होती है ना दूध के ऊपर की, वो है, वो अराउंड 1 कटोरी है। उसके बाद मैं इसमें 2 कटोरी दूध डाल रही हूँ। फ्रेश क्रीम आपके पास जितना अवेलेबल है उतना यूज़ कर लेना, नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है। उसके बाद मैं इसमें शक्कर डाल रही हूँ 1 कटोरी डाल के, थोड़ा सा मिक्स करके मैं इसको गैस के ऊपर रख रही हूँ। गैस के ऊपर रख के जैसे ही दूध थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, ये एक्चुअली ठंडा दूध था, गर्म करके ठंडा किया हुआ दूध है, जैसे ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा इसमें मैं भी डेसिकेटेड कोकोनट डाल रही हूँ, नारियल का पाउडर। मैंने 2 कटोरी दूध लिया था, 2 कटोरी में डेसिकेटेड कोकोनट का पाउडर ले रही हूँ और 1 कटोरी शक्कर ले रही हूँ। मीठा आपको जितना पसंद है आप उसके अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो, बट 2 कटोरी के लिए 1 कटोरी शक्कर परफेक्ट है। अभी मैं इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, तब तक जब तक कि शुगर पिघल ना जाए। जैसे ही शुगर पिघल जाएगा उसके बाद मैं गैस का फ्लेम मीडियम करके कंटिन्यूसली मिलाते हुए तब तक पकाऊंगी जब तक कि कोकोनट और दूध का मिक्सचर गाढ़ा ना हो जाए। इस तरीके से हमें बिल्कुल भी गैस का फ्लेम हाई नहीं करना है, अगर हम लोग थोड़ी देर भी रुक जाएंगे तो ये नीचे कढ़ाई में लग जाएगा, इसलिए बीच बीच में थोड़ा सा रुक सकते हैं, बट कंटिन्यूसली इसको मीडियम आंच पे अच्छे से मिक्स करते हुए गाढ़ा होते तक पकाना है। तब तक पकाना है जब तक कि इसका गोला ना बने। वो चेक करने के लिए आप एक प्लेट में थोड़ा सा ये नारियल लेना और ऐसा गोला बनाना, अगर गोला बन रहा है और हाथ में नहीं चिपक रहा है मतलब बैटर रेडी है, परफेक्ट है। अभी मैंने इसको डाल दिया, गैस का फ्लेम बंद कर दिया, 1-2 मिनट और मिक्स करके अब देख सकते ये काफ़ी सूखा और एकदम खिला खिला बना है, यही कंसिस्टेंसी चाहिए। अब मैं इसमें से थोड़ा सा नारियल का जो वाइट वाला पार्ट है उसको निकाल के अलग कर रही हूँ, करके बाकी बचा जो कोकोनट है, कोकोनट का जो मिक्सचर है इसमें हम लोग रोज़ वाटर मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैं 3 टेबलस्पून रोज़ वाटर ले रही हूँ, अगर आपके पास रोज़ सिरप है तो आप 1/4 कप उसको डाल देना, उसको डालोगे तो फिर फूड कलर डालने की ज़रूरत नहीं है, बट मेरे पास अभी रोज़ सिरप अवेलेबल नहीं है इसलिए मैंने रोज़ वाटर डाला है। उसके बाद ये रसबेरी रेड है, पिंक कलर नहीं है, रसबेरी जो रेड है उसके मैंने सिर्फ 2 ड्रॉप डाले हैं, लिक्विड कलर का 2 ड्रॉप डाला है, मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। एक साथ हमें ज़्यादा कलर नहीं डालना, मैंने 2 ड्रॉप्स डाला है, डाल के मिक्स कर रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा कम कलर लग रहा है तो मैंने 2 बूंद और डाले हैं, बस इससे ज़्यादा हमें नहीं डालना है। या फिर आपको जैसा कलर चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग कलर थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। अभी मैं इसमें 2 स्पून और मिल्क डाल रही हूँ क्योंकि ये ड्राई हो गया है, हमें इसको थोड़ा सा और पकाना है अराउंड 1 मिनट तक धीमी आंच पे। अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, मिक्स करके अच्छे से चलाते हुए मैं 1 ही मिनट के लिए एकदम स्लो फ्लेम पे इसे अच्छे से चलाते हुए पका रही हूँ। आप देख सकते 1 मिनट बाद इसमें काफ़ी अच्छे से कलर आ गया, अब ये बनके रेडी है। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दे रही हूँ, ऑफ करके इसे हम लोग सेट करेंगे। ये कोकोनट बर्फी बहुत ज़्यादा जल्दी बनती है, बहुत टेस्टी है और लुक वाइज तो ब्यूटीफुल है ही, और इसे बनाना कोई झंझट नहीं है। अब मैंने दोनों मिक्सचर लिया है, रोज़ वाला भी प्लेन वाला भी। अभी मैंने एक ट्रे लिया है, इसमें मैंने बटर पेपर डाला है, अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो 1 स्पून घी लेके ट्रे को आप ग्रीस कर देना, उसके बाद आप इसमें बर्फी को सेट करना। अभी मैं इसमें कोकोनट का जो प्लेन है वाइट वाला वो डाल रही हूँ, डाल के स्पून से दबाते हुए मैं इसे सेट कर रही हूँ। ये कोकोनट बर्फी बनाना आसान है, इसमें ना तो कंडेंस मिल्क की ज़रूरत है, ना ही मिल्क पाउडर, ना ही खोवा, सिर्फ डेसिकेटेड कोकोनट दूध और शक्कर से ये बर्फी बनके रेडी हो जाती है और बहुत ज़्यादा जल्दी भी बनती है। अब वाइट वाला डाल दिया है, सेट कर दिया, उसके ऊपर मैं पिंक वाला डाल रही हूँ, रोज़ वाला डाल के इसको भी स्पून से अच्छे से प्रेस करते हुए मैं जमा रही हूँ। और ये बर्फी बनाते समय ना ही कोई चाशनी बनाने का झंझट है, बस फटाक से इसको अच्छे से पका लो और 20 मिनट में बर्फी बनके रेडी हो जाएगी। अभी मैंने पिंक और वाइट दोनों को सेट कर दिया है, इसको मैं साइड में रख रही हूँ और जो प्लेन रोज़ वाला है इसको मैं ट्रे में सेट कर रही हूँ। मैंने जो पूरा मिक्सचर था उसमें थोड़ा सा वाइट वाला अलग निकाल लिया था और आधे से ज़्यादा में मैंने रोज़ वाटर और कलर मिक्स किया है। आप चाहो तो दोनों को इक्वल अमाउंट में करके
कर सकते हो, या फिर आप पूरा इस तरीके से पिंक बर्फी भी बना सकते हो, रोज़ बर्फी। अब ये भी काफ़ी अच्छे से सेट हो गया है, अब मैं इसे सेट होने के लिए रख दूंगी 2-3 घंटे के लिए। उसके बाद मैं इसे चांदी के वर्क से गार्निश करूंगी, डेकोरेट करूंगी और पिस्ते से भी। 2 घंटे में बर्फी एकदम अच्छे से सेट होकर रेडी है। अगर आपको और भी जल्दी चाहिए तो आप इसे आधे या 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। अब मैं इसे निकाल रही हूँ। बटर पेपर में रखने की वजह से इसे अनमोल्ड करना बहुत आसान होता है। अब आप देखो इसका कलर कितना सुंदर दिख रहा है और ये बहुत अच्छे से सेट होकर रेडी है। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी चांदी का वर्क। ठंड का मौसम है इसलिए ये 2 घंटे में सेट हो गया, गर्मी में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है। अब मैं इसके ऊपर रखी हूँ चांदी का वर्क। चांदी का वर्क हमें इसी तरीके से पेपर के साथ ही रखना है, अगर हम लोग हाथ से निकाल के रखेंगे तो वो हाथ नीचे पक जाएगा, इसलिए कोशिश करना है कि पेपर को डायरेक्ट हम लोग बर्फी के ऊपर पलट के इस तरह दबाते हुए लगाएं। अब मैं इसके पीसेस कट कर रही हूँ, आपको जिस साइज के पीसेस चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग कट कर लेना। उसके बाद मैं इसके ऊपर डालूंगी चॉप्ड पिस्ता। चांदी का वर्क और पिस्ता कम्प्लीटली ऑप्शनल है, कोकोनट रोज बर्फी ऐसे ही बहुत टेस्टी लगती है। अब कोकोनट रोज बर्फी बनके रेडी है, आप भी इसे ज़रूर बनाइए, और अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।